नमस्कार जी। सबसे पहले सात बच्चों का मैंने अभी प्रोग्राम देखा, सरस्वती वंदना जिस बच्ची ने किया उसको पूरा, उसको सरस्वती वंदना पूरा याद थी, एक वर्ड भी इधर उधर नहीं हुआ, और कितनी प्यारी प्यारी उसकी आवाज़ थी। बच्चों ने जो बजाया तो उनका लेकिन एक कमी रह गई कि उनका इंट्रोडक्शन नहीं कराया, बच्चे किसके हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, क्या है। तो मैं आयोजकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको बुला के उनका इंट्रोडक्शन कम से कम कराएं कि बच्चे कौन है, क्या है। बहुत यानी बढ़िया उन्होंने परफॉर्म दिया, बहुत अच्छा लगा। आज के इस परिवार के अध्यक्ष महोदय श्री सूर्य प्रकाश जी तोशनीवाल, श्री राजकुमार जी पचीसिया, मेरे खास मित्र विजय गुजरवासिया जी, लखोटिया जी, देवर जी और बायती जी, और आप बैठे सभी महानुभाव देवियों सज्जनों, आज ये बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि इतना सुचारू रूप से इतना अच्छा प्रोग्राम इस संस्था ने लिया है। संस्था का नाम भी देखिए कि जिसने रखा है राजस्थानी कला और परिवार, ये एक परिवार है। परिवार को जोड़ने के लिए जरूरी है एकता। तो सभी आयोजकों से मैं निवेदन करता हूँ कि इस प्लेटफार्म को इतना मजबूत बनाएं, इस परिवार को इतना मजबूत बनाएं कि इसके अंदर में कोई बाधा नहीं आए। एक मजबूत प्लेटफार्म लाइए, और एकता का मेन बात है, एकता अगर सामाजिक संस्था के अंदर में रहेगी तो संस्था चलेगी। और जिस ढंग से आजकल गली गली के अंदर में जगह जगह संस्थाएं खुल रही है, तो इसलिए ये संस्था कला का जहाँ भी जाएंगे आप, कला का संगीत का महत्व बेसी है। तो ये इन्होंने जो काम लिया है कला का इसका, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आयोजकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत उन्नति दे इनको, बच्चों को आदर्श दे। और इसी के साथ मैं अपना व्यक्तित्व खत्म करता हूँ।